हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व दुर्गा माँ की आराधना का ऐसा पर्व है जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। भक्तजन माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव के साथ कन्या पूजन कर देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि 2021 की अष्टमी नवमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले कन्या पूजन को कैसे करें और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई थी और पूरे 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। इन नवरात्रों में नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। इस दिन नियमित पूजा के साथ ही घर में हवन भी कराया जाता है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का बहुत खास महत्व होता है। नवरात्रि में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी भी कहा जाता है। अष्टमी के अगले दिन नवमी तिथि पर नवरात्रि का समापन होता है। इस दिन माँ आदिशक्ति भवानी के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री का पूजन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का पारण किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में पड़ने वाली नवमी तिथि भक्तों के लिए बेहद खास होती है। इस दिन नवरात्रि समापन के साथ ही भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की तिथि को महानवमी या रामनवमी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में चैत्र नवरात्रि, महाअष्टमी और महानवमी का पूजन 20 और 21 अप्रैल को किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 20 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:01 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 21 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:43 पर और नवमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:43 पर और नवमी तिथि समाप्त होगी 22 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:38 पर। रामनवमी पूजा का मुहूर्त होगा 21 अप्रैल को प्रातःकाल 11:02 से लेकर के 1:38 तक। आइए जानते हैं नवरात्रि के अष्टमी और महागौरी स्वरूप की पूजा। दोस्तों, अष्टमी के दिन महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका ये स्वरूप अत्यंत ही शुभ और भव्य है, मन को मोहने वाला है। अगर नवमी तिथि की बात करें तो इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का शाब्दिक अर्थ है सिद्धि देने वाली देवी माँ दुर्गा का ये 9वां स्वरूप है। ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है। अपने इस स्वरूप में माँ लाल साड़ी पहने हुए हैं और सिंह की यानी कि शेर की सवारी कर रही हैं। नवरात्रों में दोस्तों कन्या पूजन
यानी कि कुमारी का पूजा का विशेष महत्व है। कन्याओं का पूजन बहुत ही खास महत्व रखता है। नवरात्रि में माँ आदि शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है और कन्याओं को माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं उन्हें पूजा करने की मान्यता है। मतलब जब हम कन्या पूजन करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो 2 वर्ष से छोटी ना हो और 10 वर्ष से अधिक ना हो, 10 वर्ष से बड़ी ना हो। इन्हें ही कन्या का स्वरूप माना जाता है और इन्हीं की पूजा करने का विधान है। दुर्गा अष्टमी और महालक्ष्मी के दिन कन्या पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और माँ का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार साल 2021 में चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन 21 अप्रैल बुधवार के दिन करना बेहद शुभ रहेगा। उसके बाद महानवमी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में कन्या पूजन 21 अप्रैल को करना विशेष रूप से लाभकारी होगा। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना है। नवरात्रि पर कन्याओं को आमंत्रित करना जरूरी होता है दोस्तों, इसलिए एक दिन पहले ही 9 कन्याएं और एक लड़के को आमंत्रित कर लें। और क्योंकि दोस्तों लड़के को बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है, कन्याओं के साथ लड़के को बटुक भैरव का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और सभी कन्याओं और लड़के के पैर स्वच्छ जल से धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद सभी कन्याओं के माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक करें, अक्षत से तिलक करें और कन्याओं के लिए बनाए गए भोजन में से थोड़ा सा भोजन पूजा स्थान पर पहले अर्पित करें। फिर ये जो भोजन है सभी कन्याओं के लिए परोसें। जब कन्याएं भोजन कर लें तो उन्हें प्रसाद के रूप में फल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा के साथ साथ उनकी उपयोग की वस्तुएं गिफ्ट में जरूर दें। इसके बाद सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब कन्याओं को विदा करने से पहले उनके रास्ते में जल के छींटे दें और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। इस तरह दोस्तों विधि पूर्वक तरीके से कन्या पूजन करने से माँ प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ, लाइक के बटन को दबा दीजिए, वो नीला हो जाएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।